बहुव्रीहौ तु इंद्रशातयित्रिक इति। बहुव्री समास में तो ये अभिप्राय निकलेगा कि इंद्र है शातयिता, जिसका ऐसे हो करके तुम बढ़ो। तो ऐसा वाक्य तो बोलना नहीं चाहता था ना वस्तुतः, ऐसा अर्थाभिप्राय तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये अर्थाभिप्राय प्राप्त हो रहा है। तो ततश्च स्पष्ट एव अर्थ भेद, तो इसलिए इन दोनों समासों में अर्थ भेद स्पष्ट ही है। ठीक। और जब अर्थ भेद हो गया तो जैसा आप शब्द बोल रहे हो वैसी आहुति पहुंचेगी, ठीक है, वैसी प्रार्थना स्वीकृत हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा हस्त वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्। कथम पुनर अत्र आद्युदात्तत्वस्य वान्तोदात्तत्वस्य वा प्रसंगः यावता यज्ञ कर्मणि एक श्रुत्या भवितव्यम्। अब एक नया प्रश्न उठा दिया। कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं ना कि इस वाक्य से उन्होंने याग किया, अभिचार याग किया त्वष्टा ने, और याग में तो एक श्रुति होती है। क्या सूत्र है आपका? यज्ञ कर्मण्य जपन्युंख सामसु, और उससे पहले एक श्रुति दुरात, ऐसा ही है ना। तो यज्ञ कर्म में भी एक श्रुति होती है। तो यज्ञ कर्म में जब एक श्रुति होती है तो आदिदात्त शब्द के या अंतोदात्त शब्द के प्रयोग का प्रसंग कहाँ है? तो एक श्रुति बोला जाना चाहिए था। तो उसी को प्रश्न के रूप में रखा है जिज्ञासु ने, कथम पुनरत्र आद्युदात्तत्वस्य वा अंतोदात्तत्वस्य वा प्रसंगः। जपादि का पर्युदास करते हुए मंत्रों का एक श्रुति विधान किया गया है। स्वेच्छा प्रयुज्यमानश्च मंत्रो न भवति, और अपनी इच्छा से जो प्रयोग किया जाता है वो मंत्र रूपता उसकी उस वाक्य की होती नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं मंत्रों के विषय में एक श्रुति विधान है, और जो आपने ये अपना वाक्य कल्पित किया ना इंद्र शत्रु वर्धस्व, ये मंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। स्वेच्छा कल्पित वाक्य है, तो स्वेच्छया प्रयुज्यमानश्च मंत्रो न भवति, स्वेच्छा से जो प्रयुक्त होता है वो मंत्र नहीं होता है। एक समाधान दिया, यदि वा एक श्रुत्य भावादेवात्र प्रत्यवायः। अब या तो दूसरी बात कहते हैं कि या चलो आप इसको मंत्र मान भी लें तो फिर यही दोष आ गया। वाग वज्र अब दूसरी तरह का दिखा रहे हैं कि वो आपने इसको मंत्र मान लिया और मंत्र में एक श्रुति होनी चाहिए थी, आपने एक श्रुति ना करके क्या कर दिया, आदिदात्त उच्चारण कर दिया, ये दोष है। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो पहले तो अभी तक तो ये बात चल रही थी कि भाई अंतोदात्त उच्चारण करना चाहिए था, आदिदात्त उच्चारण कर दिया, ठीक है, वो दोष था। वो उसको वाग वज्र के रूप में दिखा रहे थे ना, वाग दोष के रूप में उसको दिखा रहे थे कि अंतोदात्त शब्द प्रयोग करना चाहिए था, आदिदात्त कर दिया, आदिदात्त कर दिया तो बहुव्री समास हो गया षष्ठी समास के स्थान पे, और बहुव्री समास हो गया तो चूंकि वहां शत्रु शब्द शातयिता अर्थ का अभिधायक था इसलिए समस्या आ गई। जो अर्थ कहना चाहता था त्वष्टा, उसके विपरीत अर्थ वाक्य का होने लग गया, ठीक है, इसलिए त्वष्टा हिंसा को प्राप्त हुआ उस वाग वज्र के कारण से। ये स्थिति दिखाई थी। अभी किसी ने प्रश्न कर लिया कि यहाँ पर तो चूंकि ये याग कर रहा था त्वष्टा, तो यज्ञ कर्म में तो मंत्रों की एक श्रुति हो जाती है, तो ये तो दोष ही नहीं बनेगा कि उसने आदिदात्त प्रयोग किया कि अंतोदात्त प्रयोग किया, ऐसा तो प्रयोग का प्रसंग ही नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जिज्ञासु की शंका का दो तरह से समाधान किया कि देखो पहली बात तो यह है कि मंत्रों में एक श्रुति का विधान किया गया है, और ये जो त्वष्टा ने अपनी इच्छा से वाक्य कल्पित किया है ये मंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, एक बात। ठीक है, तो मंत्र की श्रेणी में नहीं आता, तो मंत्र की श्रेणी में नहीं आता तो एक श्रुति नहीं होगी, एक श्रुति नहीं होगी तो जैसा स्वर, जैसा उसको अर्थ कहना अभिष्ट है उस अर्थ के अनुसार उसको स्वर करना चाहिए था, सो नहीं किया तो दोष बना। ठीक, एक बात पूरी हो गई। दूसरा भाग कहते हैं कि या फिर चलो आप इसको मंत्र मान भी ले, इसको मंत्र मान ले तो फिर मंत्र होने से क्या होना चाहिए था, एक श्रुति प्रयोग करना चाहिए था, एक श्रुति प्रयोग ना करके अंतोदात्त या आदिदात्त जो भी प्रयोग किया उसने वो कर दिया। ठीक है, वही दोष है, उस वाग वज्र के कारण से ये हिंसा को प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए देखिए, देखिए यही लिखा है ना, फिर से पढ़ लेते हैं। शंका,
कथं पुनरत्र आदिदात्तत्वस्य वा अन्तोदात्तत्वस्य वा प्रसंगः यावता यज्ञकर्मणि इति एकश्रुत्या भवितव्यम्। ये जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया है कि आदिदात्तत्व या अन्तोदात्तत्व का तो यहाँ प्रसंग ही नहीं आएगा, क्योंकि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होनी चाहिए। तो उसका उत्तर दिया, अयमप्यदोषः, ये भी दोष नहीं आएगा, क्योंकि तत्र ही जपादि पर्युदासेन मंत्राणाम एक श्रुतिर्विधीयते। यज्ञ कर्मण्य जपन्युंख सामसु, यज्ञ कर्मणि अजपन्युंख सामसु, जपादियों को छुड़वा करके मंत्रों की एक श्रुति का विधान किया है यज्ञ कर्म में। स्वेच्छया प्रयुज्यमानश्च मंत्रो न भवति, और यज्ञ कर्म में ये इनका त्वष्टा का स्वेच्छया प्रयोग है, ये मंत्र की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो मंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा तो यथा अभिष्ट अर्थ के अनुसार हमें स्वर करना चाहिए था, वो ना करके अलग स्वर कर दिया, ये दोष बना उस वाग वज्र के कारण से जो यजमान त्वष्टा है उसकी हिंसा हुई। या फिर दूसरा पक्ष, यदि वा एक श्रुत्य भावादेवत्र प्रत्यवायः, या फिर ऐसा समझिए इसको हम मंत्र की श्रेणी में मान भी लें तो भी यहाँ पे एक श्रुति होनी चाहिए थी, वो एक श्रुति ना करके त्वष्टा ने आदिदात्त शब्द पढ़ा, यही उसका दोष था, और इसी वाग वज्र के कारण से वो हिंसा का पात्र बन गया। ठीक है, आगे देखें। तथा उसी प्रकार से, यस्तु प्रयुङ्क्ते इति श्लोकेन दुष्यति चाप शब्दैरिति दोषो दर्शितः, तस्मात् अपशब्द प्रयोगे अधर्म इति तद् एतद् यज्ञ कर्मणि सर्वेषाम अभिमतम्। तथा उसी प्रकार से, कल के पाठ में एक श्लोक आया था ना, यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले सोनन्तम् आप्नोति जयं परत्र वाग्योग विदुष्यति चाप शब्दैः। ये श्लोक आया था, उसको फिर से उद्धृत कर रहे हैं। तथा यस्तु प्रयुङ्क्ते, कि जैसे दुष्ट शब्दों स्वरतो वर्णतो वा, ये श्लोक हमें बता रहा है कि अपशब्दों के प्रयोग से दोष होता है, उसी प्रकार से यस्तु प्रयुङ्क्ते इस श्लोक के द्वारा भी ये दिखाया गया था। दुष्यति चाप शब्द ही, वहां पे अंत में एक अंश है ना श्लोक का, दुष्यति चाप शब्द ही, और उसका हमने अर्थ किया था कि अवाग योग विद जो व्यक्ति होता है वो अपशब्दों से दूषित हो जाता है, अपशब्दों का प्रयोग करने से दूषित हो जाता है। कौन? अवाग योग विद, जो वाणी के संबंध को नहीं जानता, किस प्रसंग में किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए उस संबंध को ठीक ठीक नहीं समझता, वो व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करके दूषित हो जाता है। इति दोषो दर्शितः। तो पद्मंजरीकार दोनों श्लोकों के भाव को इकट्ठा कर रहे हैं कि दुष्ट शब्द भी ये कह रहा है कि दुष्ट शब्दों के प्रयोग से दोष होता है, और यस्तु प्रयुङ्क्ते श्लोक में भी ये कहा गया है स्पष्ट ही कि अपशब्दैः दुष्यति, दुष्ट शब्दों के अपशब्दों के प्रयोग से ये जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है ये दोष को प्राप्त हो जाता है। तो इति दोषो दर्शितः, तो इस प्रकार से अपशब्दों के प्रयोग में दोष को दिखाया गया है। तस्माद् अपशब्द प्रयोगे अधर्म, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अपशब्दों के प्रयोग में क्या होता है, अधर्म होता है। इति तद् एतद् यज्ञ कर्मणि सर्वेषाम् अभिमतम्। कहते हैं कि ये जो बात है कि अपशब्दों के प्रयोग से अधर्म होता है, ये सिद्धांत, तद एतद् वह यह तथ्य यज्ञ कर्मणि सर्वेषाम अभिमतम्। यज्ञ कर्म के विषय में तो सबको ही ये अभिमत है कि अगर हमने यज्ञ कर्म में दुष्ट शब्द प्रयोग कर दिए, अपशब्द प्रयोग कर दिए, तो वहां क्या होगा, अधर्म हो जाएगा, दोष बन जाएगा हमारा। तथा च प्रायश्चित विधिरपि तत्र भवति, और फिर उसके संदर्भ में प्रायश्चित विधि भी होती है। ठीक है, अगर याग कर्म में हमसे कोई अपशब्द उच्चारण हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। आहिताग्निर अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम सारस्वती मिष्टिम निर्वपेत इति। शास्त्र में निर्देश मिल रहा है कि आहिताग्नि व्यक्ति है, ठीक है, आहिताग्नि, आहिताग्नि माने जिसने अग्नि का आधान किया है। ठीक है, गृहस्थ व्यक्ति जो दीक्षित होते हैं अग्निहोत्र कर्म में, उनको आहिताग्नि कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मचारी की तो अलग अग्नि नहीं होती, गुरु की अग्नि ही ब्रह्मचारी की अग्नि होती है, गुरु की अग्नि की ही देखभाल जो है और उसी में आहुति प्रदान ब्रह्मचारी करता है। अलग से उसकी अग्नि तब होती है जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है।
और भारत में अभी बहुत कम लोग जो है वो आहिताग्नि रह गए, जिन्होंने विधि पूर्वक अग्नि का आधान किया होता है, अग्निहोत्र का व्रत लिया होता है। ऐसे बहुत थोड़े से लोग बच गए हैं, जो कि प्राचीन काल में सबके लिए अनिवार्य ही होता था। गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ करना अनिवार्य है ना प्रतिदिन, तो अभी तो एक भी नहीं करते। तो आहिता अग्नि व्यक्ति यदि यज्ञ काल में अब शब्द का प्रयोग कर देवे, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित का विधान है। आहिता अग्निर अप शब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयाम सारस्वती मिष्टिम निर्वपेत। आहिता अग्नि व्यक्ति अप शब्द का प्रयोग अगर कर देवे, तो फिर क्या करे, प्रायश्चित्तीय सारस्वती इष्टि का निर्वपन करे। ठीक है, अब उसको उसके लिए एक दूसरी आहुति, दूसरा याग यजन करना होगा। वो किस नाम का है, सारस्वती नाम का याग है, इष्टि है, उसका निर्वपन करना होगा। इति प्रायश्चित्ते भवा प्रायश्चित्तिया, प्रायश्चित्त के विषय में होने वाला, अर्थात प्रायश्चित्त के संदर्भ में निष्पन्न किए जाने वाली इष्टि प्रायश्चित्तिया इष्टि है। अब ये तो यज्ञ कर्म के बारे में बात हुई, कि यज्ञ कर्म के बारे में सबका एक मत से शास्त्रकारों का ये अभिप्राय है कि यज्ञ कर्म में अपशब्द प्रयोग करेंगे तो दोष है ही है, उसको ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित्त इष्टि करें। और यज्ञ कर्मणो अन्यत्र न प्रत्यवाय इति केचित। अब रही बात यज्ञ कर्म से अन्यत्र प्रसंगों में अपशब्द के प्रयोग की, तो उसमें दो मत हैं। कोई कहते हैं कि यज्ञ कर्म से अन्यत्र भी अगर हम अपशब्द प्रयोग करते हैं तो वहां भी दोष होता है, और कोई कहते हैं कि यज्ञ कर्मणो अन्यत्र न प्रत्यवाय इति केचित। ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं कि यज्ञ कर्म से भिन्न प्रसंग में अगर हमने अपशब्दों के द्वारा भाषण किया है, अशुद्ध शब्दों से भी अपने अर्थाभिप्राय को प्रकट किया है, तो दोष नहीं होता। अन्य तु तत्रापि कियन्तं प्रत्यवायम् इच्छन्ति। अन्य आचार्य तो वहां भी माने यज्ञ कर्म से अन्यत्र विषय में भी कियन्तं प्रत्यवायम्, कुछ प्रत्यवाय को चाहते हैं। तथा च नानृतं वदेदिति निषेधः। जैसे कि प्रसंग को समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण पकड़ते हैं कि शास्त्र का एक निर्देश हमें प्राप्त होता है, नानृतं वदेत, ये एक निषेध प्राप्त होता है शास्त्र के द्वारा। शास्त्र में दो है ना, विधान भी प्राप्त होते हैं हमारे लिए और निषेध भी प्राप्त होते हैं। तो शास्त्र कृत एक निषेध है, नानृतं वदेत, तो झूठ ना बोले। तो द्विविधम ही अनृतम कह रहे हैं कि ये दो प्रकार का अनृत होता है। अब शब्दानृतम अर्थानृतम च, एक शब्द के संदर्भ में अनृत माने शब्द हमने गलत बोला, ठीक है, तो वो शब्दानृतत्व हो गया ना, शब्द जैसा बोलना चाहिए था वैसा ठीक उच्चारण हम नहीं कर पाए किसी भी कारण से, प्रमाद से, असावधानी से, किसी भी कारण से शब्द जैसा बोलना चाहिए था वैसा नहीं बोल पाए हम, तो ये शब्दानृतत्व हो गया। और एक होता है अर्थानृत, शब्द तो ठीक बोला लेकिन मतलब जैसी बात थी वैसा नहीं बोला, जैसी बात थी वैसी नहीं बताई, तो ये अर्थानृतत्व हो गया। इसमें समझे हम कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम सच ही बोल रहे हैं, लेकिन शब्द स्खलित हो जाता है ना कई बार वाणी से, या हम जो है वो ध्यान नहीं देते प्रमाद के कारण से, जल्दबाजी के कारण से, शब्दानृतत्व हो गया। केवल झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच ही बात कह रहे हैं लेकिन शब्द को बोलने में दोष हो गया, तो उसको कह रहे हैं शब्दानृतत्व। और एक है कि हम झूठ ही बोल रहे हैं, शब्द बिल्कुल शुद्ध शुद्ध है भले ही लेकिन बात झूठ बोल रहे हैं, उसको ये क्या कह रहे हैं, अर्थानृतत्व। तो तथा च नानृतम वदेदिति निषेध। द्विविधम ही अनृतम शब्दानृतम अर्थानृतम च, तथा ही शब्दस्य अर्थस्य वा अन्यथा प्रतिपत्ति हेतुरुच्चारणम अनृतम तदत्र प्रतिषिध्यते। अब कहा कि शब्द का या अर्थ का अन्यथा प्रतिपत्ति हेतु उच्चारणम, अन्यथा प्रतिपत्ति का हेतु बन जाने वाला जो उच्चारण है वो अनृत है, तदत्र प्रतिषिध्यते, वो यहाँ प्रतिषिध्य किया जा रहा है। यथा अर्थानृतम वदतः प्रत्यवायः एवं शब्दानृतम अपि इति अलम। तो कहते हैं कि जैसे अर्थानृत बोलते हुए व्यक्ति का प्रत्यवाय होता है, दोष होता है, एवं शब्दानृतम अपि, इसी तरह से शब्दानृत बोलते हुए व्यक्ति का भी
दोष होता है, अर्थात वो अन्यथा प्रतिपत्ति का हेतु बन गया। अब चाहे हमने बोला था ठीक आंतरिक भाव से ही, लेकिन शब्द हमने गलत बोल दिया, तो हमारा शब्द किसी दूसरे के लिए अन्यथा प्रतिपत्ति का कारण बन गया, तो शब्दान्वितत्व हुआ। तो इस शब्दान्वितत्व को भी दोष का हेतु कुछ आचार्य मानते हैं, ठीक है, यज्ञ कर्म से अन्यत्र स्थल में भी। और जो अर्थ का अन्वितत्व है सो तो सब लोग उसके लिए प्रत्यवाय मानते ही हैं, अगर हमने अर्थान्वित किया है तो। इयता स्थितम में तथ, तो कहते हैं अब पद्मंजरीकार की इतनी सारी चर्चा से ये बात सिद्धांत रूप में स्थित होती है, ये बात समझ में आती है कि शब्द अनुशासनम इति अन्वर्थ संज्ञा उच्चारणेन व्याकरण प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। यथा स्थितम एतत्, इतना सारी जो चर्चा हुई उससे ये स्थित हो गया, उससे ये निश्चित हो गया कि शब्दानुशासनम इति अन्वर्थ संज्ञा उच्चारणेन, आचार्य ने शब्दानुशासनम, ये कितना बड़ा शब्द उच्चारण किया है, तो ये आचार्य ने व्याकरण शास्त्र का अन्वर्थ संज्ञा, व्याकरण शास्त्र की जो सार्थक संज्ञा है उसका उच्चारण किया है। और उसका उच्चारण क्यों किया, बड़े शब्द का आचार्य उच्चारण करते हैं या किसी अन्वर्थ संज्ञा का उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है उनका। तो कह रहे हैं कि प्रयोजन ये है अन्वर्थ संज्ञा के उच्चारण के पीछे कि व्याकरण प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति, कि इस शब्दानुशासनम शब्द के द्वारा उन्होंने साथ में क्या भी बता दिया, व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन भी बता दिया। शब्दानुशासनम कह दिया तो व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन भी बता दिया ना, किस रूप में, सबसे पहले तो इस रूप में कि इसके द्वारा शब्दों का, साधु शब्दों का अनुवाख्यान किया जा रहा है, ठीक है, और फिर उससे और भी आगे बढ़कर के साधु शब्दों का अनुवाख्यान कर रहा है शास्त्र, तो इसका मतलब आचार्य ये भी कहना चाहते कि साधु शब्दों से ही हमें संभाषण करना चाहिए, अब शब्दों से नहीं करना चाहिए, जिससे कि ये शास्त्र हमें अभ्युदय, हमारे अभ्युदय में हेतु बन सके, साधु शब्दों का हमें ज्ञान कराए, हम उनका प्रयोग करें और अपने अभ्युदय को सिद्ध करें, ठीक है, प्रत्यवाय से बच जाए, ये व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है। अथ किम सूत्रकारेण नेदमुक्तम प्रयोजनम यथा तंत्रांतरेश्वादौ प्रयोजनम उदीर्यते। अब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है, ये तो अथ शब्दानुशासनम महर्षि पतंजलि जी का वाक्य माना जाता है, बताया था ना आपको पहले, तो उसके अनुसार ही कोई व्यक्ति जिज्ञासु प्रश्न करता है कि अथ किम सूत्रकारेण नेदमुक्तम प्रयोजनम, सूत्रकार ने अपने शास्त्र में कोई प्रयोजन क्यों नहीं बताया, उन्होंने व्याकरण शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं बताया महर्षि पाणिनि जी ने, सीधे अयुन रिल रिके उंग, ठीक है, और फिर वृद्धिरादय इत्यादि शुरू हो गया, वहां कोई प्रयोजन क्यों नहीं बताया, यथा तंत्रांतरेश्वादौ प्रयोजनम उदीर्यते, जैसे तंत्रांतरों में अन्य जो शास्त्र है, तंत्र माने यहाँ शास्त्र, जैसे दूसरे शास्त्रों में आदि में प्रयोजन कहा जाता है, बताया जाता है, वैसे सूत्रकार ने प्रयोजन क्यों नहीं बताया। उच्यते, उसका उत्तर देते हैं, काणादे पाणिनीये वा कुत्र लोकः प्रवर्तते उक्तं प्रयोजनं यत्र यत्र वा नैतद् ईरितम्, तस्मात् यत्र प्रयोजनं व्यक्तं तत्र लोकः प्रवर्तते न तु अवश्यमिदं वाच्यं ग्रन्थादौ इति मन्महे। काणादे पाणिनीये वा कुत्र लोकः प्रवर्तते उक्तं प्रयोजनं यत्र यत्र वा न एतद् ईरितम्। काणाद शास्त्र है कौन सा, काणाद शास्त्र कौन सा है, आचार्य कणाद के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है वो काणाद है, वैशेषिक दर्शन है। तो कह रहे हैं कि काणाद शास्त्र में या पाणिनीय शास्त्र में कुत्र लोकः प्रवर्तते, लोक कहाँ प्रयुक्त होता है, संसार कहाँ प्रयुक्त होता है, उक्तम प्रयोजनम यत्र, जहाँ प्रयोजन कहा गया वहां प्रवृत्त होता है, या फिर यत्र वा न एतद् ईरितम्, या फिर जहाँ प्रयोजन नहीं कहा जाता वहां काणादे पाणिनीये वा कुत्र लोकः प्रवर्तते उक्तम प्रयोजनम यत्र यत्र वा नैतदीरितम्।
लोक कहाँ प्रवृत्त होगा, लोक की प्रथम प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पे आदि में प्रयोजन बता दिया वहां, या जहां प्रयोजन नहीं बताया वहां। तो तस्मात उसका समाधान करते हैं आगे, यत्र प्रयोजनम व्यक्तम तत्र लोकः प्रवर्तते, जहां प्रयोजन स्पष्ट हो वहां पर लोक प्रवृत्त होता है। न तो अवश्यमिदं वाच्यं ग्रंथादौ इति मन्महे, ये हमेशा वाच्य ही है ग्रंथ के आदि में, ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, बोल के ही बताया जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। किंच प्रयोजन वचनस्य किम प्रयोजनम्। देखिए जो आचार्य गणनाथ जी का शास्त्र है वैशेषिक, वहां शुरू में ही बोल दिया है ना, अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। पहला सूत्र क्या है वैशेषिक का, यही है ना, अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। तो पहले ही सूत्र में उन्होंने बता दिया कि हम धर्म का स्वरूप बताएंगे, शास्त्र का प्रयोजन धर्म के स्वरूप का निरूपण है। और यहाँ पे पाणिनीय सूत्रों में ऐसा कुछ प्रयोजन प्रारंभ में दिया नहीं है, तो इसलिए प्रश्न बनता है कि काणाद शास्त्र में प्रवृत्ति होगी कि पाणिनीय शास्त्र में प्रवृत्ति होगी, जहां प्रयोजन स्पष्ट बताया वहां कि जहां प्रयोजन नहीं बताया वहां। तो उसका उत्तर क्या दिया कि प्रयोजन व्यक्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए शास्त्र का, वहां लोक की प्रवृत्ति हो जाएगी, उसको ग्रंथ आदि में अवश्य ही वाक्य के माध्यम से ही कहा जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो अभी इसी के बारे में आगे बात करते हैं, किंच प्रयोजन वचनस्य किम प्रयोजनम्। प्रयोजन वचन का प्रयोजन क्या है, तदर्थी नाम तत्र प्रवृत्ति रीति चेत न, कहते हैं कि तदर्थियों की वहां प्रवृत्ति हो जाए, उस प्रयोजन के जो अर्थी हैं, ठीक है, उस प्रयोजन की कामना वाले जो लोग हैं उनकी उस शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाए, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। क्यों, पुम वाक्यानाम विप्रलंभ भूयिष्ठत्वात्तेभ्य उत्पन्नो भी प्रत्ययो द्रागेव लीयते। कह रहे हैं कि पुम वाक्य जो है, मनुष्य जो वाक्य बोलते हैं वो विप्रलंभ भूयिष्ठत्वा, वो बड़े ठगने वाले होते हैं, उनमें वंचना की बहुलता रहती है। तो इसलिए तेभ्य उत्पन्नो भी प्रत्यय, उससे कोई ज्ञान उत्पन्न भी होगा तो द्रागेव लीयते, वो ज्ञान तो झटीति विलुप्त हो सकता है। ततश्च सकल शास्त्र श्रवणोत्तर कालम तन निश्चयो भवति। तो इसका अभिप्राय यह है कि पूरा शास्त्र सुनने के बाद ही उसका निश्चय होता है कि शास्त्र में वस्तुतः क्या कहा गया। ततः किम, तो उससे क्या कहना चाहते हैं आप। पूर्व पक्षी ने कहा, जो समाधान देने वाला व्यक्ति है वो कहता है, न प्रयोजन श्रवण मात्रादेव प्रवृत्ति ही, प्रयोजन श्रवण मात्र से प्रवृत्ति होती नहीं है। अयम सूत्रकारो गुड़ जिह्विका न्यायेन यत्किंचित प्रयोजन मुक्त्वा अन्यस्मिन्नेव स्वाभिमते प्रवर्तयेदिति संभावयन्तो न प्रयोजन प्रतिपादनम् आद्रियते तत्कथम् आद्रियन्ते तत्कथम् प्रवर्तेरन्। अयम सूत्रकारः, कि ये सूत्रकार ऐसा भी तो हो सकता है ना, गुड़ जिह्विका न्यायेन, गुड़ जिह्विका न्याय से, यत किंचित प्रयोजन मुक्तम, जो कुछ भी प्रयोजन बता के, अन्यस्मिन् नैव स्वाभिमते प्रवर्तयेत, किसी अन्य ही अपने अभिमत में प्रवृत्त कर सकता है अध्येता को। इति संभावयन्तः, ऐसे संभावना करते हुए जो अध्येता हैं, प्रेक्षावान अध्येता हैं, वो न प्रयोजन प्रतिपादनम आद्रियन्ते, वो प्रयोजन के प्रतिपादन को आदर नहीं देते। तत् कथम प्रवर्तेरन, तो कैसे प्रवृत्त होंगे। गुड़ जिह्विका न्याय समझ गए आप, जैसे माता को बालक को कड़वी दवाई खिलानी होती है ना, गुड़ में लपेट करके खिला देती है, तो बाहर से तो पता चल रहा है कि गुड़ खिला रहे हैं, लेकिन खिला और ही कुछ रही है। तो ऐसे ही कोई अच्छे अच्छे प्रयोजन बता दे अपने शास्त्र के, और उसको सुन करके हम प्रवृत्त हो जाए और अंदर हो कुछ और ही, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रयोजन श्रवण मात्र से जो प्रेक्षावान अध्येता है वो प्रवृत्त होता नहीं है। ठीक है, इसको आज इतना ही रखते हैं, ये इस विषय को और आगे देखेंगे हम कल। ओम शांति शांति शांति, ओम श्री परमात्मने नमः।
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ